आप लोगों को तो पता ही है कि इंडियन मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का काफ़ी बड़ा मार्केट है और इसके अंदर काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर उतर रहे हैं। तो इस रेस के अंदर अब नाहक मोटर्स भी शामिल हो गई है, क्योंकि इसने अपनी आने वाली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि है नाहक P14। और जो नाहक P14 की बुकिंग है उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी स्टार्ट कर दी है, जो कि आप 11,000 रुपये दे के बुक करा सकते हो इसको। और ये जो बुकिंग है ये सिर्फ 15 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ओपन है, तो अगर आप लोगों को सिर्फ बुकिंग करानी है तो आपके पास 30 मार्च तक का टाइम है, आप लोग बुकिंग करा सकते हो 11,000 रुपये दे के। और कंपनी ये भी कह रही है कि इसकी बुकिंग हम मई से स्टार्ट कर भी देंगे इसी साल। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि इस बाइक के अंदर क्या क्या मिलेगा हमें, तो अगर आप लोग जानना है तो इस वीडियो को कोई एंटर देना, कहीं भी स्किप मत करना। तो इस वीडियो में बताऊंगा इसकी प्राइस कितनी है, इसकी रेंज कितनी हो सकती है और इसकी टॉप स्पीड कितनी है, क्योंकि हाई स्पीड बाइक है तो इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नाहक P14 हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक की जो कीमत है वो 2.5 लाख से स्टार्ट होती है, जो कि एक्चुअली प्राइस है। और जो अभी टाइम स्लॉट चल रहा है 15 मार्च से 30 मार्च तक का, इसके अंदर अगर आप लोग बुकिंग कराते हो तो इस प्राइस पे आपको 10% का डिस्काउंट भी दे दी कंपनी, अगर आप लोग अभी बुक कराते हो तो। और मैं आपको ये बता दूं, नाहक P14 पहली बार ऑटो एक्सपो 2020 के अंदर दिखाई गई थी, और कंपनी का दावा है ये इंडिया की पहली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक है जिसकी टॉप स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर है। नाहक P14 बाइक के अंदर आपको 72 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, और इस बैटरी को अगर आप लोग नॉर्मल चार्ज से चार्ज करते हो तो ये पूरे 3 घंटे लगाएगी फुल चार्ज होने में, जबकि वहीं अगर आप लोग इसको फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो ये सिर्फ 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगी। और जब नाहक कंपनी अपनी इस हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग स्टार्ट करी थी, मतलब प्री लॉन्च से पहले की बुकिंग जो स्टार्ट करी थी, उस वक्त इसके जो चेयरमैन है उन्होंने एक कहा है कि हम अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि जो उसकी कम स्पीड होती है और उसके अंदर जो उसको चार्जिंग करने के लिए समय लगता है, लोग उसके थोड़ा कंटाल जाते हैं और इसलिए उसको प्रेफर नहीं करते। लेकिन उन्होंने इसी समस्या का हल निकाल लिया है, और जो मैंने आपको बताया कि 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है और इसकी हाई स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर, इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। और अगर मैं बात करूँ नाहक P14 के रेंज की, तो अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है या ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन बीते साल कंपनी के चेयरमैन ने मीडिया के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये बाइक सिंगल चार्ज पे 150 से 180 किलोमीटर की आपको रेंज दे सकती है। बाकी ये तो देखने वाली बात है कि नाहक P14 जब लॉन्च होगी तब पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी रेंज मिलती है आपको और इसके अंदर और क्या फीचर कंपनी ने ऐड किए हैं। नॉर्मली आपको जो मिलेंगे और जो मिलते हैं नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर मिलते हैं, जैसे कि रिवॉल्ट के अंदर जो मिलते हैं, उतने तो मिलने ही चाहिए जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ उससे, बल्कि फालतू मिलने चाहिए, क्योंकि नाहक मोटर एक नई कंपनी है, उसको अपनी छाप छोड़नी है तो एक अच्छा फीचर डालना पड़ेगा इसके अंदर। बाकी जब आएगी तो आपको मेरे चैनल में पता चल ही जाएगा। और अगर आप लोग को ऐसी इन्फॉर्मेशन रेगुलर से चाहिए तो भैया जो आपको लाल बटन दिख रहा है ना स्क्रीन पर सब्सक्राइब वाला, उसे तोड़ दो, कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो। बाकी इस वीडियो से इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी मीटी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।